अस्सलाम वालेकुम सुरेश, बशर वसीम बात कर रहा हूँ। मैं इस वीक जो मैंने आपके लिए टेस्ट डिज़ाइन किया था, इस टेस्ट में मैंने दो केस स्टडीज डिस्कस किए थे। सबसे पहले मैं पहले केस स्टडी के बारे में बात करता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या पूछना चाहा और मैं क्या जवाब चाहता था। देखिए, केस कुछ यूँ था कि नसीम बेगम हैज़ अनटिल रिसेंटली हैज़ बीन अ हेल्दी एक्टिव वुमन। अभी तक नसीम बेगम एक तवाना और एक्टिव खातून थी, यानी वो मुस्तन मुस्तिक खातून थी। ऑन हर 35th बर्थडे, उनके 35वीं सालगिरह पर, शी कोलाइडेड हिट बाय एक्सीडेंट व्हेन मूविंग विद द लेफ्ट साइड ऑफ हर गैराज। वो गैराज में थी और लेफ्ट साइड पे उनके चोट लग गई जब वो शी ड्रोव इन, जब वो अंदर दाखिल हुई। एन एक्सीडेंट विच बोथ शी एंड हर हस्बैंड एट्रिब्यूटेड टू हर फोकसिंग टू मच ऑन द पार्टी टू कम। तो उन्होंने ये किया कि बजाय इसके कि वो चोट की तरफ फोकस करते, उन्होंने जो 35th बर्थडे के लिए पार्टी अरेंज की हुई थी वो उस पर फोकस कर रहे थे। एट दैट पार्टी नसीम बेगम ब्लो आउट ओनली दोज कैंडल्स ऑन द राइट साइड ऑफ हर केक। नसीम बेगम ने ये किया कि जब पार्टी हेल्ड हुई तो उन्हें कहा गया कि आमतौर पर यह होता है कि बर्थडे पर कहा जाता है कि जी आप ये जो मोमबत्ती इन्हें बुझा दें। उन्होंने क्या किया कि जो कैंडल थी वो सिर्फ कौन सी बुझाई, जो है वो कैंडल ऑन दी राइट साइड, जो राइट साइड पर केक के थी वो मिटा दी, एंड लेफ्ट साइड स्टिल बर्निंग, और जो लेफ्ट साइड पर थी उन्हें उन्होंने जलने दिया। हाउएवर शी सीम्ड टोटली अनअवेयर ऑफ दिस। लेकिन देखने में लगा कि उनको बिल्कुल इस बात का कोई इदराक ही नहीं है। एंड व्हेन हर हस्बैंड पॉइंटेड आउट दैट, तो उन्होंने कहा ओह दे आर जस्ट टू प्रिटी टू ब्लो आउट, कि ये ज्यादा अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इन्हें नहीं बुझाया। तो उन्होंने इस बात का इदराक नहीं हुआ और फिर उन्होंने ये बात महसूस भी नहीं होने दी कि उन्हें ये कैंडल्स नजर नहीं आ रही थी। अब ये है कि जब भी कोई लंबा केस पढ़े तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो दरमियान में पढ़े। अगर छोटा केस हो तो केस पहले पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन केस अगर तीन पैराग्राफ का है तो एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद केस इसके क्वेश्चन से पढ़ लेने चाहिए, ताकि दरमियान में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लेने शुरू कर दें। प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद विच कॉन्सेप्ट एंड हाउ यू ब्रीफ। प्रॉब्लम किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, आप उसे कैसे ब्रीफ करोगे। और दूसरा, ओपिनियन ऑफ सलीम अबाउट हिज वाइफ रिलेटेड विद दी व्हाट कॉन्सेप्ट। जो ओपिनियन है सलीम की अपनी वाइफ के बारे में, वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, किस इस कंपोनेंट्स के। अब मैं वापस आता हूँ केस की तरफ। व्हेन हर हस्बैंड आस्क्ड टू कॉपी सम डॉक्यूमेंट, नसीम बेगम ओनली रिप्रोड्यूस द राइट साइड ऑफ देम। तो जब उन्हें कुछ कॉपी करने का गया तो राइट साइड वाली ही थी। एंड व्हेन आस्क्ड टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हर लिविंग रूम, द पिक्चर रूम की, जो लिविंग रूम की पिक्चर लेने के लिए कहा, शी इंक्लूडेड ऑल फर्नीचर हाउएवर इट वाज ऑल क्राउडेड टू राइट साइड ऑफ द रूम। उसने सारे का सारा राइट साइड में क्राउडेड शो किया, या राइट साइड का शो किया, बाकी भूल गई। हर हस्बैंड सलीम वाज टू मच वरीड, वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ उनका शोहर जिसका नाम सलीम है, बट ही डिसाइडेड नॉट टू गिव हर एनी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। उसने सोचा कि आज के बाद उसे कोई अहम काम नहीं देना हर एक्टिविटी, बिकॉज शी इज वेरी केयरलेस, उसे लगा कि ये वेरी केयरलेस है। टू डेज लेटर हर हस्बैंड फाउंड हर ऑन द बाथरूम फ्लोर। दो दिन बाद वो उन्हें गिरी मिलती है कहाँ पे, बाथरूम फ्लोर पे। शी वॉज जो है वो ग्रोजी, ग्रोजी का मतलब होता है नींद में, कमजोरी की हालत में, या बेहोशी की हालत में, अनअवेयर ऑफ हर सराउंडिंग और इर्द गिर्द के हालात में, उन्हें कोई पता नहीं। एंड इनकॉन्टेंट, यानी कि अनकंट्रोल्ड। न्यूरोलॉजिस्ट found that Naseem Begum had distinct sensory loss in her left arm, उनके left side के ऊपर शदीद किस्म का sensory loss हुआ है, and left sided, तो मैंने इसको क्या कह सकते हो आप, melanomas, hemophilia, persons can see only one side, एक side देख सकती है, दूसरी side वो नहीं देख सकती। अब मसला ये है कि हमारे से दो सवाल पूछे गए कि केस का मेन प्रॉब्लम क्या है और किस कॉन्सेप्ट से वो बसता है। दूसरा, सलीम की राय अपनी वाइफ के बारे में क्या है और वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और उस कॉन्सेप्ट के कंपोनेंट्स क्या है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं।
हमें एक क्लियर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर वन जो है वो ये है कि जो नसीम बेगम है वो किस तरह से मामलात को देख रही है। मामलात को देखने का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि जो नसीम बेगम है वो किस तरह से मामलात को या किस तरह से परसीव कर रही है। तो जो मामला जो है दैट इज रिलेटेड विद परसेप्शन। अब जो परसेप्शन का इशू है उसके अंदर हम सब जानते हैं कि परसेप्शन दो इशूज के साथ बनता है। सबसे पहले तो हम परसेप्शन को यहाँ डिफाइन करना चाहिए थोड़ा सा अपने अल्फाज में कि इट इज अ प्रोसेस एंड अ प्रोसेस इन विच नसीम बेगम कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अराउंड इवेंट्स एंड ऑर्गेनाइज इट इनटू मीनिंगफुल वे। बट नाउ थिंग इज दिस, नसीम बेगम का जो मामला है वो ये है कि परसेप्शन तो बनना है सेंसरी प्रोसेस से, और आप सब बच्चे जानते हैं कि सेंसरी प्रोसेस पांच चीजों से बनता है, यानी पांच सेंसेस है इंसान की, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, साइट, उसके बाद क्या है, हियरिंग, उसके बाद क्या है, टच, फिर उसके बाद क्या है, शाबाश, टेस्ट, उसके बाद क्या है, स्मेल। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि नसीम बेगम का मामला ये है कि उन्हें एक साइड की वन साइडेड व्यू नजर आता है, एक साइड का व्यू उन्हें नजर नहीं आता, तो वन साइड व्यू वो देख सकती है। इससे एक शक ये भी पड़ता है कि अगर उनका पूरा एक साइड इफेक्ट हुआ है तो एक साइड की लिसनिंग भी थोड़ी बहुत कम हुई होगी, और इसी तरह एक साइड का टच भी शायद उन्हें फील नहीं होगा। तो उनका चूंकि सेंसरी प्रोसेस इफेक्ट हो गया है, तो सेंसरी प्रोसेस के इफेक्ट होने की वजह से हमारा जो प्रोसेस है परसेप्शन का, उसका बेसिक प्रोसेस या बेसिक रिक्वायर्ड सेंसिंग ही खत्म हो गई, तो परसेप्शन जो है वो प्रॉपर ड्राइव नहीं हो सकता या परसेप्शन करेक्टली बिल्डअप ही नहीं हो सकता, चूंकि इनिशियल चीज ही जो है वो गड़बड़ हो गई। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जब वो परसेप्शन किसी चीज को परसीव करना भी चाहे तो उन्हें पांच सेंसेस में से एक या दो का इंतखाब करना पड़ेगा, जिसमें से यकीनी तौर पर कुछ अरसे बाद जब उन्हें पता लग गया है कि उनकी साइट एक साइड की काम नहीं करती तो उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे, हेयरिंग के लिए शायद एक साइड पर भरोसा कर सके, और इसी तरह टच के मामले में तो वो इतनी को नर्वस हो सकती है कि अपने किसी भी परसेप्शन को शायद वो करेक्ट या 100% एक्यूरेट सबूर नहीं करेंगी, और जब एक्यूरेट सबूर नहीं करेंगी तो किसी भी मामले में उनका जो रिस्पांस है या किसी भी मामले में उनका जो रिएक्शन है वो ग्रेजुअली स्लो होता चला जाएगा, और वो जिंदगी के पार्टिसिपेशन से शायद जो है वो बैक फुट पे जाना शुरू कर देंगी। तो ये इसका एक इफेक्ट होगा। तो मैं सम अप कर देता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये वाजह करना चाहिए कि यहाँ नसीम बेगम के परसेप्शन का मसला, परसेप्शन वो प्रोसेस है जिसमें नसीम बेगम जो है कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इवेंट्स अराउंड एंड अरेंज इट इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल वे बाय व्हिच शी कैन बिहेव। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, नसीम बेगम पास्ड थ्रू एन एक्सीडेंट इन व्हिच शी लॉस्ट वन साइड ऑफ हर साइट एंड सिमिलरली माइट बी हियरिंग एंड टच एज वेल। Therefore, his sensory process is badly affected, and when sensory process is not properly working, definitely you will go through a problem, and that problem is this, that perception is not 100% correct or accurate. This will obviously hurt her confidence later on. इससे उनका confidence कम होगा, and when confidence is gone, her response and reaction will slow down, or she will be on a back foot in reacting in front of the world. That might be the impact. So this is what we can say about the perception. Now the second question is the opinion of Slim about his wife and related with what concept and what are its components. Dekhiye, Salim sahab jo hai, he is developing an opinion. Slim is making a persistent tendency or persistent you can say opinion to behave about his wife. वो एक राय कायम कर चुके हैं that she is very careless. So now
he is asking that he is careless and I will not give him any important assignment. तो मैं इन्हें कोई important assignment नहीं दूंगा, because जब भी इन्हें मैं कोई काम कहता हूँ ये मुकम्मल तौर पर कर नहीं पाती है, करना नहीं चाहती। तो ये राय कायम हो जाना जो है वो एटीट्यूड है। उसको पूछा गया है कि जो ये जिससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है उसके कंपोनेंट बता दें। अब आप जानते हैं कि जब आप एटीट्यूड की बात करते हैं तो एटीट्यूड के जो कंपोनेंट है वो तीन है। वो कौन कौन से कंपोनेंट है? यू नो वेरी वेल, ये जो कंपोनेंट है इनको हम कहते हैं कि सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो कॉग्निटिव कंपोनेंट है, जिसके अंदर सलीम साहब ने दो दफा देखा कि एक तो वो कैंडल मुर गई, फिर तस्वीर बनाने में और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो बेसिक इंफॉर्मेशन या नॉलेज उन्हें ये मिला कि उनकी वाइफ जो है वो किसी भी काम को ठीक तरह से नहीं कर। दूसरा मामला जो है वो है फीलिंग एंड इमोशंस, के मुकम्मल काम ना कर पाना उनकी वाइफ का उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है और इसकी वजह से वो खासे परेशान है। फॉर द टाइम बीइंग वो इससे इंटरप्रेट करते हुए बिहेवियर कंपोनेंट ये डिसाइड करते हैं कि आई विल नॉट गिव हर एनी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट बिकॉज माई वाइफ इज प्रूव टू बी अ लिटिल केयरलेस। सो दिस इज व्हाट वी कैन से कि वो जो उन्हें नॉलेज मिला कि वो ये काम नहीं कर रही, फीलिंग ये आई यार हम काम था उसने अच्छी तरह देखा क्यों नहीं, और बिहेवियर कंपोनेंट ये है कि फिर ठीक है से हम काम हम नहीं करते। तो होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि इस केस को कैसे मैंने सॉल्व किया है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कैसे सॉल्व किया है और इसका सेकंड पार्ट मैंने कैसे सॉल्व किया है। मुझे ये यकीन है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि यहाँ सर सिर्फ हिंट लिख रहे हैं, यहाँ सिर्फ सर हिंट लिख रहे हैं, लेकिन पेपर में हिंट नहीं लिख रहे। पेपर में केस स्टडी का सोल्यूशन हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाता है और ये पैराग्राफ जो है ये बड़ी केयरफुली बनाए जाते हैं। कतई इन पैराग्राफ को बनाते हुए जरूरत नहीं होती कि यहाँ से जगह छोड़ी जाए और यहाँ से लिखना शुरू किया जाए और निचली लाइन आगे शुरू की जाए। हर पैराग्राफ का आगाज वहीं से किया जा सकता है जहाँ से आपने हाशिया या बॉर्डर लगाया हुआ। बहरहाल इस पर मैं तफसील से बात करूंगा कि पेपर में कैसे लिखना चाहिए लेटर ऑन। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं अगले केस की तरफ बढ़ता हूँ थोड़ी ही देर में। थैंक यू।